टीवी दुनिया की असली प्रेरणा यानी कि श्वेता तिवारी ने फाइनली अपनी शादी को लेकर कुछ रिविलेशंस किए हैं। ये रिविलेशन डेफिनेटली शॉकिंग है। श्वेता तिवारी ने अपनी शादी को जहरीला करार दिया है। यस, यू आर हियरिंग अस राइट। श्वेता तिवारी का अपकमिंग शो मेरे डैड की दुल्हन यूं तो कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा है। ऐसे में जब लीडिंग डेलीज ने श्वेता तिवारी से उनके और उनके रिलेशनशिप के बारे में बात की तो श्वेता ने इस पर पहली बार ओपनली बात की। यूं तो श्वेता तिवारी के सोशल मीडिया अकाउंट पे अक्सर हमें श्वेता, उनकी बड़ी बेटी पलक तिवारी और उनके बेटे के साथ की तस्वीरें ही शेयर हो रही होती हैं। हाल में ही हमने देखा था कि श्वेता किस तरह अपनी फैमिली के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रही थी। उनके हस्बैंड अभिनव कोहली कभी भी एक साथ एक फ्रेम में इनके साथ फ्रेम में नजर नहीं आते। कुछ महीने पहले ही श्वेता की डॉटर पलक तिवारी ने भी अभिनव कोहली पे इल्जाम लगाया था और फिर पिछले साल भी ये बातें थी कि श्वेता और अभिनव के रिश्तों में खटास आ गई है। तब श्वेता ने कहा था कि अभिनव को अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है, इस वजह से वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। मगर श्वेता ने फाइनली अपने इस टफ रिलेशनशिप के बारे में चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि ये उनकी लाइफ में फिलहाल एक काफी टफ फेज गुजर रहा है, जहां वो अपनी शादी जो कि जहरीले इन्फेक्शन की तरह है उसे अपने बाकी रिलेशनशिप से अलग करने की कोशिश कर रही हैं। श्वेता ने बताया कि इससे अलग होने के दौरान उन्हें काफी पेन से गुजरना पड़ा, मगर अब उन्होंने इस चीज के साथ एडजस्ट कर लिया है। श्वेता ने बताया कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने आप को खुश ही नहीं दिखाती बल्कि एक्चुअल लाइफ में खुश होने की कोशिश कर रही हैं। श्वेता तिवारी का पहला रिलेशन राजा के साथ था जो भी कुछ खासा चल नहीं पाया और उससे उनकी डॉटर पलक तिवारी हुई। कहना होगा कुछ लोगों का लक लाइफ में काम नहीं आता। द वेरी सैड नोट, मगर श्वेता तिवारी के साथ भी कुछ ऐसा ही लगता है। ए गॉड ब्लेस हर विद लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड डेफिनेटली वी आर एक्साइटेड टू वॉच हर इन हर अपकमिंग शो मेरे डैड की दुल्हन। फिलहाल रिश्ता टीवी का में इतना ही। अपने फेवरेट शो और स्टार्स रिलेटेड अपडेट के लिए आप करें रिश्ता टीवी का को अभी सब्सक्राइब।